ट्री हाउस। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग। दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पेपा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पेपा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। वाह! पेपा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा, सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओह अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पेपा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी, अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। दादी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। दादी पिग। ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। द म्यूजियम। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी।
एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है। वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पेपा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। ये है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी लाकर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है। असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है। ये असली डायनासोर की हड्डियां है। डायनासोर। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स हैं। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओह हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओह, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर। डायनासोर।
घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओह, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेप्पा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेप्पा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो, अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भी गए। चलो, अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ, अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो, आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने, कितना आसान है। क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना।
लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह! देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी, अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग, क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। बुद्धू डैडी पिग, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। आ,
पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। ये! आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर, और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेलें? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। मम्मी पिग का बर्थडे। आज मम्मी पिग का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओ नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी?
क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती, डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह, अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक, दो, तीन, अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? दो टिकट्स आज रात के फिल्म के, चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है, लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। Hiccups. पेपा, जॉर्ज, मम्मी और डैडी नाश्ता कर रहे हैं। ये एक प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेलने के लिए जाना चाहते हैं। मम्मी, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? तुम अपना नाश्ता खत्म करके बाहर खेलने जा सकते हो। जॉर्ज, अपना जूस इतनी जल्दी मत पियो। जॉर्ज ने अपना जूस जल्दी से पी लिया और अब उसको हिचकियां लग गई हैं। क्या अब हम जा सकते हैं मम्मी? नहीं, जॉर्ज को हिचकियां आ रही हैं। लेकिन जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गई मम्मी। हो गई है ना जॉर्ज? ठीक है, तुम बाहर खेलने जा सकती हो, लेकिन जॉर्ज का ध्यान रखना। पेपा और जॉर्ज को गार्डन में खेलना पसंद है। जॉर्ज, मैं बॉल फेंकने वाली हूँ, फिर तुम उसे पकड़ना, ठीक है? जॉर्ज, हिचकियां लेना बंद करो। जॉर्ज, अब तुम बॉल मेरी तरफ फेंको, मैं उसे पकड़ूंगी। जॉर्ज। ओह डियर, जॉर्ज की हिचकियों से खेल बिगड़ रहा है। जॉर्ज, मैं जानती हूँ हिचकियां कैसे ठीक करनी है। तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। अपने सिर को खुजाओ और पेट को रगड़ो। बढ़िया, अब तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई। पेपा ने हिचकियों का जो इलाज किया उसने काम नहीं किया। जॉर्ज, ये तुमने बिल्कुल गलत किया। मुझे हिचकियां ठीक करने का अच्छा तरीका आता है। पहले एक टांग पर तीन बार ऊपर नीचे कूदो। अब अपना हाथ हिलाओ ऊपर और नीचे और अपनी जीभ बाहर निकालो। और अब
अपनी आंखें बंद करो और तेजी से घूमो, सिर्फ 3 बार। पेपा के नए इलाज ने भी काम नहीं किया। जॉर्ज को अभी भी हिचकियां आ रही हैं। मैं जानती हूँ हिचकियों का इलाज। बीमार पिगी को एक शौक दिया जाना चाहिए। जॉर्ज, मैं तुम्हें डराने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना ये सिर्फ एक खेल है और इससे तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। याद रखना, ये सिर्फ डराने का खेल है। पेपा, तुम्हें जॉर्ज के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत छोटा है। माफ करना मम्मी, मैं जॉर्ज की हिचकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। जॉर्ज की हिचकियां बंद हो गईं। डैडी पिग जूस के 2 गिलास लेकर आते हैं। जॉर्ज, इस तरह पियोगे तो फिर से हिचकियां लग जाएंगी। मैं उतनी छोटी नहीं हूँ जितना जॉर्ज। मैं अपना जूस बहुत जल्दी पी सकती हूँ। डैडी हो गए तंदुरुस्त। मम्मी पिग टीवी पर फिट रहने का प्रोग्राम देख रही हैं। और 1 और 2 और 3 और 4 झुको, स्ट्रेच करो, झुको, स्ट्रेच करो, 1 और 2। मुझे टीवी देखना पसंद है। क्या चल रहा है मम्मी पिग? इस प्रोग्राम में तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज दिखाते हैं। अच्छा है, मुझे कसरत की जरूरत नहीं, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए। मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बताओ पहले क्या करूं? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं। आसान है। 1 2 शाबाश डैडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेस अप्स करने हैं। 1 2 मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेस अप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14 15 16 17। डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा, मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर करती है, टीवी सुनाई नहीं दे रही। आपको कुछ भी करके तंदुरुस्त होना ही है। आइडिया, आप मेरी साइकिल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, और इससे आपको ताजी हवा भी मिलेगी। डैडी पिग पेपा की छोटी साइकिल चलाएंगे। डैडी, ये रहे पेडल्स, ये है ब्रेक्स और ये है घंटी। हाँ हाँ, थैंक यू पेपा, मैं जानता हूँ। बाय बाय। कितना आसान है। फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अब मैं बिना पैडल मारे भी साइकिल चला सकता हूँ। डैडी पिग बहुत तेज चला रहे हैं। ओह, मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी। इसके ब्रेक्स तो लग ही नहीं रहे। डैडी पिग ने बहुत देर कर दी। मम्मी, डैडी कहाँ होंगे? फिक्र मत करो पेपा, डैडी इतनी देर बाहर है मतलब उन्हें जरूर मजा आ रहा होगा। डैडी, आप कहाँ गए थे? मैं पहाड़ी में बहुत तेजी से नीचे गया था और फिर मुझे साइकिल को इतने ऊपर तक वापस लाना पड़ा। ओह, बेचारे डैडी पिग। पर मेरी एक्सरसाइज तो हो गई ना? हाँ, आज के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कल फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। क्या? डैडी, अगर तंदुरुस्त होना है तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अरे नहीं। पर कोई बात नहीं डैडी, मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। दादी पिग, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग। दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं। तो जॉर्ज, तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिग की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओह जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। या। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर।
जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? पड़ गया। जॉर्ज क्या तुम और टमाटर सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओ तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक? वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। बैले क्लास। पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है। ये है मैडम गजेल, बैले की टीचर। ओहो, तो तुम हो छोटी पेपा। मैं हूँ मैडम गजेल। हेलो मैडम। ओहो, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। बाय बाय। मजे से सीखो। ये रहे पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पटी जीते। नजाकत और सुंदरता से पटी जीते। नजाकत और सुंदरता। पटीशते। नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? म्याऊ। नजाकत और सुंदरता। पेपा को नाचना बहुत पसंद है। सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पेपा ने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत नजाकत से और सुंदरता से डांस किया। शाबाश। मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया? पहले घर चलते हैं, फिर तुम डैडी पिग को और जॉर्ज को और मुझे दिखाना। बाय बाय। पेपा और मम्मी पिग घर आ गए हैं। डैडी, जॉर्ज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं। क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए जॉर्ज और मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पहले हमें चाहिए म्यूजिक। गुड। अब जॉर्ज, डैडी और मम्मी, आप वैसा कीजिए जैसा मैं करती हूँ। मैडम गजेल ने मजेदार शब्द बोले, पर असल में सिर्फ घुटनों को मोड़ना होता है और जंप करना है। पटीशित। डैडी, आपको वो शब्द पता है? हो, क्योंकि मम्मी पिग और मैं बैले करते थे। सावधानी से डैडी पिग। हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैडेटर। ओह!
मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा। बुद्धू डैडी पिग। शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए। हाँ, मैं उसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं एक खूबसूरत हंस हूँ। The Sleepy Princess। रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पेपा, नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज, उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी। सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहानी के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया।
मेरी बहन क्लोई। पेपा और जॉर्ज बगीचे में खेल रहे हैं। मेरी तरफ फेंको। तुमने बहुत जोर से बॉल फेंका जॉर्ज, तो रूल के हिसाब से मैं जीत गई। अब मेरी बारी। मैं फिर से जीती। पेपा, जॉर्ज, आज तुम्हारी बड़ी बहन क्लोई हमसे मिलने आ रही है। यप्पी, क्लोई। जॉर्ज, क्लोई मेरी जैसी बड़ी लड़की है, तो अगर वो तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारे साथ ना खेले तो बुरा मत मानना। मुझे यकीन है क्लोई तुम दोनों के साथ खेलेगी। क्लोई आ गई, ये। आंटी पिग दिन बिताने के लिए क्लोई को पेपा के घर लाई है। क्लोई पेपा और जॉर्ज की कजिन बहन है। क्लोई पेपा और जॉर्ज से थोड़ी बड़ी है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मिलते हैं बाद में। तुम्हें कोई गेम खेलना है? हाँ, चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। पेपा को पकड़ा पकड़ी बहुत पसंद है। तुम अभी भी पकड़ा पकड़ी खेलती हो? ये तो छोटे बच्चों का खेल है। ओह, हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है। ठीक है, जॉर्ज के लिए खेलते हैं। तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चों वाले रूल्स के साथ? असली रूल्स के साथ। मैं शुरू करती हूँ। पकड़ने की बारी तुम्हारी। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। पेपा को, क्लोई और जॉर्ज को पकड़ना है। पकड़ सको तो पकड़ लो। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ। तुम कितने छोटे हो। ये गलत है, तुम जॉर्ज की मदद कर रहे हो। क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूं? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ। तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ। तुम नहीं पकड़ पाओगी। चलो पकड़ो हमें। ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं? ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ। उसका नाम है चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी? मुझे खेलना है चतुर लोमड़ी। कैसे खेलते हैं? एक खिलाड़ी होगा चतुर लोमड़ी और दूसरे उस पर झपट पड़ेंगे। मुझे 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 बनना है चतुर लोमड़ी। पेपा है चतुर लोमड़ी। जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से झपट पड़ेंगे। पर अगर पेपा ने मुड़कर किसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दोबारा पीछे से शुरुआत करनी होगी। जॉर्ज, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरू करो। पकड़ लिया, मैं जीत गई। लेकिन मैं रेडी नहीं थी। रूल्स के हिसाब से मैं जब चाहूँ हिल सकती हूँ, है ना जॉर्ज? अब चतुर लोमड़ी बनने की बारी क्लोई की है। पेपा और जॉर्ज को बिना हिले रहना होगा। पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो। ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा। रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। दोबारा शुरू करो। जॉर्ज जीत गया। क्या हम कोई और खेल खेले? हाँ, पर वो बड़ों का गेम होगा तो ही। मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं, वो बड़ों का ही खेल है। जॉर्ज, क्या तुम्हें पेपा की फेवरेट गेम पता है? पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ क्लोई। मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ। ओह, मैं भी। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। असल में पेपा को गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है, पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही। मैं देख रहा हूँ कोई गड्ढों में कूद रहा है। मम्मी पिग और डैडी पिग को भी मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। ये मजेदार दिख रहा है। हाँ, वो तो है। शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मुताबिक बड़ी लड़कियाँ भी मिट्टी के गड्ढों में कूद सकती है। हाँ, ये अच्छा रूल है। चलो रेस लगाएं। चलो रेस लगाएं। पेपा और क्लोई को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है, बड़ी लड़कियों को भी। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो।
चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बियर। मामी क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बियर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ डॉक्टर ब्राउन बियर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बियर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रेबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रेबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई, तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। ड्रेसिंग अप। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? पेपा को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ, ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। ये है डैडी का हैट और ये है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है, ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हाथ है।
डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पेपा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा। पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए। पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओ हाँ, बिल्कुल। हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो। गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो, हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ। सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते। ये दुख की बात है, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया। Oh, 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 oh,